रक्षाबंधन के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी द्वारा बड़े रूप से कई स्नेह मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहली खबर आपको दिखाते हैं यूपी के नोएडा की, जहां गौतम बुद्ध नगर में पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम नोएडा सेक्टर 108 स्थित पुलिस कमिश्नरेट में आयोजित रहा, जिसमें पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, एडिशनल पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार, डिप्टी पुलिस कमिश्नर विशाल पांडे, एसपी दिनेश पांडे समेत 300 पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि नोएडा की 16 बहनें मंच पर उपस्थित रहीं और अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। हर एक चीज पहले किससे शुरू होती है? प्रतिज्ञा से, और वो शुरू होते होते कहाँ तक पहुँचती है? प्रत्यक्षता तक। तो अगर आपने दुआओं की प्रतिज्ञा की तो जीवन में खुशी प्रत्यक्षता होगी। अगर आपने माफ करने की प्रतिज्ञा की तो जीवन में हमेशा कैसे प्यार की प्रत्यक्षता होगी। और अगर आपने माफी मांगने की प्रत्यक्षता की तो रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं होगी, ये प्रत्यक्षता होगी। आज का ये जो सेशन किया गया है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि एक भाई और बहन का रिश्ता जोड़ करके समाज की तरफ से आपके दिए गए सेवा के बदले आपको एक प्रोत्साहन दिया जाए, बल्कि ये आपको एहसास दिलाने के लिए, आपको इस गर्व की अनुभूति कराने के लिए कार्यक्रम कराया गया है, ताकि आपको भी पता चले कि आपका जो भी अंशदान है, आपका जो भी सेवादान है, और दान महत्वपूर्ण है। जब तक जीवन में विकार है उस ऐसे समय पर जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। जब जीवन में बुराई नहीं है और पवित्रता का बल है, पवित्रता की शक्ति है, सत्यता की शक्ति है, गुणवान है, चरित्रवान है, तो सदा ही सुरक्षित है, रक्षा है। क्योंकि परम पिता परमात्मा जो सदा पवित्रता के सागर है, वो हम बच्चों की सुरक्षा के लिए सदा ही बने हुए हैं। ऐसे ही जयपुर में द अनुकंपा बिल्डिंग में भव्य तौर पर स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित रहा, जिसमें राजस्थान सरकार के शिक्षा सचिव नवीन जैन, अनुकंपा ग्रुप के चेयरमैन गोपाल प्रसाद गुप्ता, जयपुर एडिशनल कमिश्नर आनंदी लाल वैष्णव, एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौर, विमेन एंड चाइल्ड एक्टिविस्ट भाग्यश्री सैनी प्रमुख तौर पर उपस्थित रही। जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन मिसेस इंडिया यूनिवर्स एवं एंकर वर्षा मित्तल ने किया। कार्यक्रम में सबसे पहले मुख्य अतिथियों का स्वागत और सत्कार किया गया, फिर पूनम दीदी ने अपने अनमोल शब्दों में रक्षाबंधन का आध्यात्मिक अर्थ 5 विकारों से आत्मा की रक्षा करना बताया। इसके बाद मुख्य अतिथियों ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समापन सोडाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेह दीदी द्वारा सभी को राखी बांधने और ईश्वरी प्रसाद देने के साथ हुआ। हमारा आज के दिन ये परम कर्तव्य है कि हम हर दृष्टि से, चाहे कोई हमें देखे या न देखे, कोई भी देखे ना देखे, हम प्रकृति को कुछ देने का प्रयास करें, उसकी रक्षा का प्रयास करें और उसका एक्सप्लोइटेशन करने वालों को रोकने का प्रयास करें। ऐसे ही मुंबई के मलाड वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा एक पब्लिक प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें गायक अबू मलिक, गायिका बैला सुलाखे, लेखिका संगीता शे में शामिल हुए और अपने गीतों से समा बांध दिया। उनके अलावा कार्यक्रम में गोल्ड मेडल कंपनी के मालिक जुगराज जी, राजस्थान सेवा समिति के अध्यक्ष बद्री लोहार का समेत कई उद्योगपति और प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन और संचालन मलाड फ्लेमिंगो सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्जा दीदी ने किया और मलाड ईस्ट की प्रभारी बीके शोभा एवं जन कल्याण नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मीना बहन ने सभी अतिथियों को रक्षाबंधन का आध्यात्मिक अर्थ और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। राजकोट के पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
पंचशील सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके किंजल दीदी द्वारा इस मौके पर व्यसन मुक्ति का संदेश देते हुए सभी को रक्षा सूत्र बांधा और मेडिटेशन के प्रशिक्षण के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर डीसीपी पूजा, एसीपी बारिया और एसीपी जालासर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ऐसे ही मालवीय पुलिस स्टेशन बीके किंजल बहन ने व्यसन मुक्ति का संदेश दिया और राखी बांधी। महाराष्ट्र के बोईसर सेवा केंद्र के बीके सदस्यों द्वारा बोईसर विराज प्रोफाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक सभी को रक्षा सूत्र बांधा गया। उसके साथ स्कूल, कॉलेज और अनेक आवासीय सोसाइटी में भी राखी की सेवा की गई। इसके अलावा बीके भैरव ने कई क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को परमात्मा का परिचय देते हुए राजयोग मेडिटेशन के फायदे बताए और उनकी कलाई पर राखी बांधी। देखिए उसकी झलकियां। दिल्ली की बीके पूनम बहन और बीके वर्णिका ने फिल्म सिटी फाउंडर, चांसलर एशियन फिल्म एंड टीवी, 70 कंट्रीज के कल्चरल एम्बेसडर, दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर डॉक्टर संदीप मारवाजी से मुलाकात कर उन्हें राखी बांधी। राजस्थान के पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय भजनलाल जाटव और सुप्रसिद्ध कथावाचिका देवी चित्रलेखा जी को बीके गीता और बीके संस्कृति बहन ने राखी की शुभकामनाएं दी। विश्व प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी को कानपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्चना दीदी और बीके पुष्पा दीदी ने राखी बांधी और ईश्वरी सौगात भेंट की। पंजाब मोहाली के बीके डॉक्टर रमा, बीके सुमन और बीके अदिति बहन ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स को रक्षा सूत्र बांधा। सबसे पहले आशिका जैन आईएएस डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर, फिराज शंकरन तिड़ के आईएएस एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, दमनजीत सिंह और गीतिका सिंह एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, अमनदीप सिंह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर ज्योति यादव सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर, हरिंदर सिंह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक, प्रदीप सिंह आरटीओ, हरजोत कौर असिस्टेंट कमिश्नर। शिमला के बीके सुनीता, बीके ऋतु, बीके दुर्गा बहन ने हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रियों को राखी बांधी और उनकी सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश सरकार के विशेष सचिव मनोज चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध ठाकुर, जिला महापौर सुरेंद्र चौहान, एडीसी अभिषेक वर्मा, एसपी संजीव कुमार, एएसपी सुनील नेगी, जॉइंट कमिश्नर भुवन शर्मा, डीएसपी विजय रघुवंशी, मजदूर संघ के स्टेट प्रेसिडेंट लीला दास, भट्टा कुफर के पार्षद नरेंद्र ठाकुर। एमपी नरसिंहपुर ने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए राखी का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रीति दीदी ने पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, डिप्टी कलेक्टर मनोज कुमार चौरसिया, अपर कलेक्टर अंजलि शाह व अन्य को रक्षा सूत्र बांधा। पंजाब के अमृतसर में कैदी भाइयों को बीके बहनों ने राखी बांधी और ब्लेसिंग्स दिए। बीके लता बहन, बीके मनीषा, बीके किरण ने जेल अधीक्षक अनुराग भाई, कैबिनेट मिनिस्टर हरभजन सिंह, डिप्टी कमिश्नर अमित तलवार, नगर निगम कमिश्नर आईएस राहुल को राखी बांधी। गुजरात शिनोर में रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा तालुका के विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधकर बुराई को त्यागने का संकल्प कराया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका सेवा केंद्र प्रभारी बीके धरती बहन ने विभिन्न अधिकारियों, तालुका प्रमुख सचिन भाई, तालुका विकास अधिकारी पिनाकेन बहन, पीएसआई अल्पेश भाई, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर जिग्नेश जी एवं स्टाफ आदि सभी प्रबुद्धजनों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर कोई एक बुराई छोड़ने का संकल्प कराया और सभी को ईश्वरी संदेश दिया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमार संजीव भाई, बीके किरण बहन, मीना बहन और जिग्नेश बहन आदि मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।